धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। तो आइए हम सब इस सुबह में परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन को गाएंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। और जितने भी भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उन सब के लिए हमारी पूरी टीम निरंतर प्रार्थना करती है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 20वें अध्याय और उसके पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेनाओं को देखे तब उनसे न डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल लाया है वह तेरे संग है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है इसराइलियों से, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना आ जाए, कितने भी सामर्थ्य घोड़े और सामर्थ्य रथ और सामर्थ्य सेना सामर्थ्य राजा क्यों ना खड़े हो जाएं, परंतु तुम न डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ चलने वाला तुम्हारे संग रहने वाला सेनाओं का यहोवा मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, उस युद्ध में मैं तुम्हें विजयी करूंगा, तुम डरना नहीं बल्कि उनके सामने खड़े रहना, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है ऐसे समय से आप गुजर रहे हों जब आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हों, बहुत सारे दुख हों, विपत्तियां हों, संकट हो और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। उस समय के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा आज सुबह में, उन परेशानियों को देखकर, उन विपत्तियों को देखकर, उन दुखों को देखकर, उन बीमारियों को देखकर, उस कठिन समय को देखकर आप न डरें, न घबराएं, क्योंकि उनसे लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा आपके संग में है। आपको उन सब परिस्थितियों पर विजय दिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपके संग है और वो आपको उन सारी विपरीत परिस्थितियों से विजयी कराएगा, आपको वो विजयी करेगा, क्योंकि वो आपके संग में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आप न डरें और न घबराएं। चाहे दुष्ट शैतान भी आपके सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे शैतान भी आपकी परीक्षा क्यों ना करे, उस समय भी आप
उससे न डरना, क्योंकि आपके संग संग सेनाओं का यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह आपके संग में है, जिसने उसे क्रूस पर हरा दिया है, जिसने उस दुष्ट को क्रूस पर हरा दिया है, वो हारा हुआ है और हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी है। उसी प्रकार वो आपको हर एक विपत्ति पर, हर एक परेशानी पर, हर एक दुष्ट की सामर्थ्य पर आपको विजयी करेगा। आपको हर एक विपत्ति, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक संकट से, चाहे आप कैसे भी समय से क्यों ना गुजर रहे हों, इससे प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर निकालेंगे। आपको ऐसी परिस्थिति से देखकर डरने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी, कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके संग में है, सेनाओं का यहोवा आपके संग में है। जो अद्भुत पराक्रम करने वाला परमेश्वर है, जो लाल समुद्र को दो भागों में करने वाला परमेश्वर है, जो जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है, जो युद्ध में विजयी कराने वाला परमेश्वर है, जो शैतान को हराने वाला परमेश्वर है, वो आपके संग संग है। इसलिए आप याप बांधे, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, विश्वास में बने रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु आपको उन सब पर विजयी कराएगा, क्योंकि वो आपके संग संग है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए। मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हमारे जीवन को प्रभु ब्लेस किया। पिता धन्यवाद, ये वचन हम सब के जीवनों में फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आदर महिमा के योग्य आप हैं प्रभु जी। आप हमारी ढाल, आप हमारी चट्टान, हमारा बचाने वाला, हमारा सहायक आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता आज की सुबह में, परमेश्वर पिता हर एक को आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आप हर एक को प्रभु जी अपनी आशीषों से भरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों में प्रभु जी आज के दिन में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। हर एक दुष्ट के कामों को, हर एक शैतान के कामों को उनके जीवनों से प्रभु जी हम नष्ट करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, आज के इस वचन के अनुसार प्रभु, कि प्रभु ये वचन एक एक के जीवनों में कार्य करने पाए पिता। प्रभु जी जो लोग प्रभु अपने दुख विपत्ति, अपने परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में है पिता परमेश्वर, आपसे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु, उनकी दुख विपत्तियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को आप उनके जीवनों से दूर करें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपका वचन प्रभु जी इसराइलियों के जीवन में काम किया प्रभु, जब आप उनके सहायक बने प्रभु, जब आपने पिता परमेश्वर उनकी सहायता की, उसी प्रकार प्रभु जी ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक के दुखों को पिता परमेश्वर आनंदमय कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं आज की सुंदर सुबह में, उन बीमारियों से प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दे पिता, आप पूर्णतः उन्हें चंगाई दीजिए, अपने चंगाई भरे हाथ को उनके ऊपर रखें प्रभु, और प्रभु जी उनके शरीर की हर एक बीमारी आज की सुबह में उन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु जी। हर एक बॉडी पेन यीशु के नाम से चला जाए पिता, हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य आज की सुबह में दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग अपने परिवार की चिंताओं में हैं, कलेश में हैं, झगड़ों में हैं पिता, जिनके घर में परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु जी, पिता ये संकट का समय है प्रभु जी, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु जी इस परेशानी से पिता उन्हें छुटकारा मिले और प्रभु उनका जीवन विजयी हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके जीवनों में मेल मिलाप, शांति को भरें पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी, विपत्ति, असफलताएं, निराशाएं प्रभु इनके जीवनों से हम कैंसिल आउट करते हैं आज की ये नई सुबह, आज की ये सुंदर सुबह, उनके जीवनों में प्रभु आपकी आशीषें लेकर आए। एक एक के जीवन में हम आपकी आशीषों को मांगते हैं प्रभु जी। जिन लोगों का आज की सुबह में जन्मदिन है प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं प्रभु उन लोगों के जीवन के लिए कि बीते साल में आपने उन्हें संभाल कर एक नया साल उनके जीवनों में जोड़ा है प्रभु। अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान उन्हें प्रदान करें, एक अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करें, जो लोग वो अब जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूरी करें पिता, और पिता अपने आप में प्रभु उन लोगों को बढ़ाएं पिता। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के नौजवानों के लिए प्रभु, गलत एडिक्शन में, गलत संगति से आप उन्हें बचाएं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु। हर एक की सुधीली आज दिन भर में
हर एक को दुर्घटना से बचाइए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। तेरी स्तुति और आमीन।